हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं बख्शिंदर सिंह और आप सबका वेलकम है आज के व्लॉग में। फ्रेंड्स, पहले तो मैं आपको ये बता दूं, गोवा में पिछले 15 दिनों से बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। बारिश इतनी ज़्यादा है कि मैं वीडियो बनाने भी नहीं जा पा रहा। आज भी सुबह से काफ़ी बारिश हो रही है, लेकिन मैंने आज प्लान किया है, चलो बारिश में ही चलते हैं वीडियो बनाने के लिए। तो चलिए, आज हम जाएंगे कांडोलिम बीच पर और देखेंगे वहाँ पर कैसा हाल है, बीच की क्या कंडीशन है, वो आज सब हम देखेंगे। तो चलिए, फालतू की बातों में टाइम वेस्ट नहीं करते और सीधा चलते हैं बीच पर। फ्रेंड्स, ये कांडोलिम बीच की कार पार्किंग है। यह एक पे पार्किंग है और यहाँ पर कार पार्किंग का चार्ज है 100 रुपये 4 घंटे का। और कार पार्किंग के बिल्कुल ऑपोजिट ये टूरिस्ट इंफॉर्मेशन सेंटर है। आप यहाँ से गोवा के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। और उसके बिल्कुल बाजू में ये सामने टू व्हीलर पार्किंग है। यहाँ पर टू व्हीलर पार्किंग चार्ज 50 रुपीज़ है। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये है कांडोलिम बीच का एंट्रेंस गेट। और जब आप इस गेट के अंदर आएंगे तो आपको कुछ इस तरह से शॉप्स दिखाई देंगी। यहाँ से आप खाने पीने का सामान ले सकते हैं और आप शॉपिंग भी कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ टैटू आर्टिस्ट भी है, आप टैटू भी बनवा सकते हैं। और इस तरफ है पे टॉयलेट। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये आपके सामने पेश है कांडोलिम बीच। देखिए क्या शानदार नज़ारा है। फ्रेंड्स, सुबह से कंटिन्यू बारिश हो रही है, इसलिए आप देख सकते हैं सभी टूरिस्ट जो यहाँ पर हैं उन्होंने अम्ब्रेला ली हुई है या फिर रेनकोट पहने हैं। और ज़्यादा बारिश होने की वजह से समुंदर का पानी भी काफ़ी ऊपर तक आया हुआ है। और ये देखिए फ्रेंड्स, किसी ने समुंदर किनारे अपना घर बनाया है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम पहले बीच की राइट साइड में चलते हैं और आगे चल के देखते हैं कैसा व्यू है और कैसा माहौल है। फ्रेंड्स, बारिश ज़्यादा होने के कारण समुद्र का पानी ऊपर तो है ही है, साथ के साथ लहरें भी बहुत तेज हैं। इस समय समुद्र में नहाना बिल्कुल भी सेफ नहीं है। लाइफगार्ड पानी के पास जाने को भी मना कर रहा है। ये देखिए फ्रेंड्स, समुद्र का पानी कितना शानदार है। ऐसा लग रहा है जैसे समुंदर में सर्फ घोलकर सफ़ेद रंग की झाग बनाई हो। समुंदर पूरा सफ़ेद सफ़ेद दिखाई दे रहा है। फ्रेंड्स, आज बारिश में मैं यहाँ पर आ तो गया हूँ, लेकिन जब मैं यहाँ पर आ रहा था तो रास्ते में बहुत तेज़ हवा चल रही थी और बहुत तेज बारिश हो रही थी, जिसकी वजह से ड्राइव करने में प्रॉब्लम हो रही थी। तब मेरे को लग रहा था कि मैं बीच पर जाकर कोई गलती कर रहा हूँ, मेरे को आज बीच पर नहीं जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर आने के बाद मेरे को लग रहा है कि मैं बिल्कुल सही सोच रहा था, क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा है। मेरा कैमरा वाटरप्रूफ नहीं है, वो ख़राब हो जाएगा, इस वजह से मैं बहुत कम शॉट ले रहा हूँ। और वैसे भी इस समय कांडोलिम बीच पर कुछ ऐसा है नहीं कुछ खास जो मैं आपको दिखा सकूँ, क्योंकि चारों तरफ पानी पानी है और पूरी बीच खाली है और टूरिस्ट भी बहुत कम है। फ्रेंड्स, अब मैं बीच के सेंटर पॉइंट पर वापस आ गया हूँ और आपको दिख ही रहा होगा कि सिर्फ सेंटर पॉइंट पर ही कुछ टूरिस्ट हैं, अदरवाइज पूरी बीच खाली है। तो चलिए, अब मैं आपको बीच की लेफ्ट साइड में लेके चलता हूँ और आगे चल के दिखा देता हूँ कैसा व्यू है और कैसा माहौल है। ये देखिए फ्रेंड्स, बीच की लेफ्ट साइड में लहरें कितनी तेज हैं, पानी बिल्कुल ऊपर तक आ जाता है और वॉकिंग करने में बहुत दिक्कत होती है। मेरी चप्पल पानी में फंस गई थी, मैंने बहुत मुश्किल से निकाली, इसलिए जब पानी की लहर ऊपर आए तो प्लीज़ आप रुके रहिए, आगे मत जाइए। और फ्रेंड्स, मेरे को इस बीच की हालत भी कुछ ठीक नहीं लग रही है, क्योंकि बीच पर थोड़ी गंदगी भी है। इसलिए मैं आपको सजेशन दूंगा कि अगर आप गोवा का टूर प्लान कर रहे हैं तो कांडोलिम बीच को अवॉइड कीजिए, क्योंकि यहाँ पर पानी काफ़ी ऊपर तक आ रहा है, वॉकिंग करने में बहुत दिक्कत है और ये बीच पर ज़्यादा टूरिस्ट भी नहीं है। इसकी बजाय अगर आप पास में कलंगुट बीच है,
वहाँ पर चले जाएं या तो फिर आप बागा बीच चले जाएं, आपके लिए वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और ये देखिए फ्रेंड्स, एकदम से बहुत तेज बारिश आ गई है। ये बारिश कैमरे में देखने में आपको बहुत स्लो लग रही होगी, लेकिन ये एकदम तूफानी बारिश है। इतनी तेज़ हवा चल रही है कि मैं बीच पर वॉक भी नहीं कर पा रहा। और यहीं पर लाइफ गार्ड के लिए एक छोटा सा टेंट लगा हुआ था जहाँ पर लाइफ गार्ड बैठते हैं, अब मैं भी वहाँ पर आकर उसके साथ बैठ गया हूँ। और फ्रेंड्स, इस समय बहुत ही तूफानी बारिश हो रही है। ये देखिए मेरे पैर के ऊपर रेत लगी हुई है। जब मैं बीच के ऊपर चल रहा था तो इतनी तेज़ हवा चल रही थी कि रेत के कंकर छोटे छोटे मेरे को आके लग रहे थे, ये देखिए। और ये इतनी तेज़ लग रहे थे कि मेरे को ऐसे लग रहा था कि मेरे पैर में कोई हजार सुइयों को एक साथ चुभा रहा है। ये मैंने ज़िंदगी में पहली बार एक्सपीरियंस किया। और फ्रेंड्स, इतनी तूफ़ानी बारिश में यहाँ पर रुक कर कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए मैंने घर पर जाने का फ़ैसला किया है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, मेरी वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे मेरी आने वाली वीडियो को आप सबसे पहले देख पाएंगे। तो ओके फ्रेंड्स, जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में। बाय बाय।